हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मैट्रिक्स के अंदर व्युत्क्रम निकालना 3x3 मैट्रिक्स का स्तंभ रूपांतरण से। ठीक है, तो हम पहले इसके स्टेप्स करते हैं, फिर उस स्टेप्स से इसका साथ साथ इन्वर्स भी निकालेंगे, मतलब व्युत्क्रम भी निकालेंगे। तो इसके लिए देखो क्या है, सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। पहले इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, मानना ए बराबर 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2। ठीक है, तो क्या होगा, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से ए इक्वल टू ए आई, तो यहां ए लिख देते हैं 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2 ए या आई रख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको करने के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। उससे पहले मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाता हूँ। ये होती है ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो स्टेप्स में क्या है, पहला स्टेप जो है हमारे पास क्या है, इस A11 को ना 1 करना है C1 C2 C3 की सहायता से। मतलब क्या है, A11 बराबर 1 C1 C2 C3 की सहायता से। मतलब C1 की अकेले से भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 से भी कर सकते हैं, C1 C2 या C1 C3 से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको 1 बनाता हूँ। इसको 1 देखो कैसे बन सकता है, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, फिर 3 - 2 कर दें तो 1 हो जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ, इसको 2 से गुना करके या माइनस कर देता हूँ, मतलब C1 में चेंज करता हूँ 2C1 - C3, एक साथ ही कर दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ -3 2 - 2 3 3 2 0 1 0 0 0 1। इसको 2 से गुना करके माइनस करना है, तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1, 4 - 3 ये हो जाएगा 1, 6 - 2 ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा, 2 से गुना करके माइनस करेंगे, 2 - 0 हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, 0 - 1 - 1। अगला स्टेप क्या है, हमने इन दोनों को 0 करना है, मतलब A12 बराबर A13 बराबर 0 C1 की सहायता से। मतलब अब इन दोनों को 0 करना है, एक तो C2 में चेंज करना है और एक C3 में चेंज करना है। C2 में चेंज करना है तो क्या करना है, 3 से गुना करके यहाँ जोड़ देते हैं, तो मतलब आ जाएगा C2 + 3 C1, वो 3 से गुना करके यहाँ घटा देते हैं, तो C3 - 3 C1। ठीक है, तो अब देखो क्या है, C1 में कोई चेंज नहीं है, एक एक 4 2 0 - 1 3 से गुना करके यहाँ जोड़ा तो यह जगह 0 2 + 3 ये हो जाएगा 5 -2 + 12 तो ये हो जाएगा 10। 3 से गुना करके यहाँ माइनस किया तो आ जाएगा 0 ये हो जाएगा 0 2 - 12 तो यह आ जाएगा -10। 3 से गुना करके यहाँ जोड़ा तो यह जगह 6 और ये आ जाएगा 1। यहाँ 3 से गुना करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। 3 से गुना करके घटाया तो आ जाएगा -6 या आ जाएगा 0। ये 3 से गुना करके करेंगे तो 1 + 3 ही हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्या है, इस अवयव को 1 करना है, A22 को, A22 इक्वल टू 1, इसको 1 करना है C2 और C3 की सहायता से। मतलब C2 C3 की सहायता से, अकेला C2 को भाग करके भी हो जाता है, अगर दोनों की सहायता से हो रहा है तो उससे करना है। तो अब C3 में तो यह अवयव 0 है, तो कोई सहायता ले नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग दे देते हैं। मतलब C2 के अंदर क्या करते हैं, C2 / 5। इसका मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है, C3 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1 1 4 0 0 - 10। दो जीरो माइनस एक
माइनस छ जीरो चार, ठीक है। इसको पाँच से भाग देते हैं तो आ जाएगा जीरो एक दो, इसको पाँच से भाग देते हैं ये आ जाएगा छः बटे पाँच, एक बटे पाँच और माइनस का तीन बटे पाँच, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो करेंगे फोर स्टेप में, मतलब ए टू वन और ए टू थ्री को जीरो करेंगे सी टू की सहायता से, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो जीरो है ही, हमने इसको ही जीरो करना है, मतलब सी वन में चेंज करना है सी वन माइनस सी टू, तो मतलब सी टू और सी थ्री में कोई चेंज नहीं है, जीरो एक दो जीरो जीरो माइनस दस, छ बटे पाँच, एक बटे पाँच माइनस तीन बटे पाँच, माइनस छ जीरो चार। माइनस करेंगे तो एक माइनस जीरो ही हो जाएगा, एक एक माइनस एक जीरो, चार माइनस दो दो, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो माइनस छः बटे पाँच, तो दस माइनस छः बटे पाँच हो जाएगा चार बटे पाँच, माइनस एक बटे पाँच ये हो जाएगा माइनस एक प्लस तीन बटे पाँच, तो आ जाएगा माइनस का दो बटे पाँच, ठीक है। इसके बाद ये वाला अवयव वन करना है, इसी संख्या से भाग देके ए थ्री थ्री बराबर एक, उसी संख्या से भाग देकर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको वन करना है तो सी थ्री को माइनस दस, हम कहें सी वन और सी टू में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, वन जीरो टू जीरो वन टू, यहाँ भी एज इट इज लिख देते हैं, चार बटे पाँच माइनस एक बटे पाँच माइनस दो बटे पाँच, छः बटे पाँच, एक बटे पाँच माइनस तीन बटे पाँच, ठीक है। माइनस दस से भाग दिया ना तो यह जाएगा जीरो जीरो एक, माइनस दस से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तीन बटे पाँच जीरो, और ये बन जाएगा माइनस का दो बटे पाँच। इसके बाद इन दोनों अवयव को जीरो करना है, मतलब ए थ्री वन ए थ्री टू बराबर जीरो सी थ्री की सहायता से, ठीक है। तो मतलब क्या है, इन दोनों को जीरो करना है, मतलब सी वन में चेंज करना है और सी टू में चेंज करना है। सी वन में चेंज करेंगे सी वन माइनस टू सी थ्री, सी टू में चेंज करेंगे सी टू माइनस टू सी थ्री, ठीक है। तो मतलब सी थ्री में कोई चेंज नहीं है, जीरो जीरो एक, तीन बटे पाँच जीरो माइनस दो बटे पाँच, ठीक है। अब माइनस करते हैं, देखो वन माइनस जीरो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो हो जाएगा वन जीरो, टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो वन, टू माइनस टू हो जाएगा जीरो। अब यहाँ करना है चार बटे पाँच माइनस छः बटे पाँच, तो आ जाएगा माइनस का दो बटे पाँच, यह आ जाएगा माइनस का एक बटे पाँच, माइनस दो बटे पाँच और ये बन जाएगा प्लस का चार बटे पाँच, तो आ जाएगा प्लस का दो बटे पाँच, छः बटे पाँच माइनस छः बटे पाँच जीरो, यह आ जाएगा एक बटे पाँच, माइनस तीन बटे पाँच हो जाएगा प्लस का चार बटे पाँच, तो आ जाएगा एक बटे पाँच। देयर फोर ए इनवर्स आ जाएगा माइनस दो बटे पाँच माइनस एक बटे पाँच दो बटे पाँच जीरो, एक बटे पाँच एक बटे पाँच, तीन बटे पाँच जीरो माइनस दो बटे पाँच, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमारे पास नौ अवयव है यहाँ पर तीन गुना तीन में, ठीक है। हमने कॉलम वाला कैसे चलना है, स्तंभ वाला, पहले इसको वन करना है, फिर यहाँ इन दोनों को जीरो करना है, फिर इसको वन करना है और इन दोनों को जीरो करना है, फिर इसको वन करना है, फिर इन दोनों को जीरो करना है, इस टाइप से हमने चलना है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं स्तंभ रूपांतरण में तीन गुना तीन में। तो सबसे पहले इसको ए मानते हैं, माना मैट्रिक्स ए बराबर
एक माइनस तीन दो, तीन जीरो पाँच, माइनस दो माइनस पाँच जीरो। प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से ए इक्वल टू ए आई, ए का मान रख देते हैं एक माइनस तीन दो, तीन जीरो पाँच, माइनस दो माइनस पाँच जीरो। ए आई हमारे पास हो जाएगा वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक है, अब सबसे पहले इसको वन करना है, तो वन है मतलब पहला स्टेप हो चुका है। हमने क्या करना है, इन दोनों को जीरो करना है, ए वन टू और ए वन थ्री को, मतलब इन दोनों को जीरो करना है, मतलब सी टू में चेंज करना है और सी थ्री में चेंज करना है। तीन से गुना करके यहाँ माइनस कर देते हैं, तो सी टू माइनस थ्री सी वन, दो से गुना करके यहाँ जोड़ देते हैं, तो सी थ्री प्लस टू सी वन, मतलब सी वन में कोई चेंज नहीं है, तो क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री टू, वन जीरो जीरो। तीन माइनस तीन ही हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस माइनस नो तो हो जाएगा प्लस का नो, ठीक है, और ये हो जाएगा पाँच माइनस छः माइनस एक, दो से गुना करके जोड़ते हैं तो आ जाएगा जीरो, माइनस पाँच माइनस छः माइनस ग्यारह, जीरो प्लस चार ये हो जाएगा चार। तीन से गुना करके माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस तीन एक जीरो, ठीक है, वो दो से गुना करके यहाँ जोड़ना है तो आ जाएगा दो जीरो और ये आ जाएगा एक। इसके बाद इसको वन करना है बीच वाले को ए टू टू को, ठीक है, ए टू टू वन करना है सी टू सी थ्री की सहायता से। देखो कैसे होगा, अगर मैं इसको पाँच से गुना कर दूँ और इसको चार से, तो ये पैंतालीस हो जाएगा, ये चौवालीस हो जाएगा, तो मतलब सी टू में चेंज करना है पाँच सी टू प्लस चार सी थ्री, और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पहले से ही माइनस है, तो मतलब क्या हुआ कि सी वन में चेंज नहीं है और सी थ्री में चेंज नहीं है। तो क्या आएगा, पांच से गुना करेंगे चार से तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पैंतालीस माइनस चौवालीस एक, ये क्या हो जाएगा माइनस पाँच, और ये चार से गुना करेंगे इसको तो प्लस सोलह, माइनस पाँच प्लस सोलह ये हो जाएगा ग्यारह। यहाँ क्या होगा माइनस छः, यहाँ क्या होगा माइनस पंद्रह प्लस आठ, ये हो जाएगा माइनस का सात, ये आ जाएगा पाँच और ये आ जाएगा चार। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों को जीरो करना है, मतलब सी वन में चेंज करना है और सी थ्री में चेंज करना है। C1 में चेंज क्या होगा, C1 प्लस थ्री सी टू, सी टू की हेल्प से करने, C3 में चेंज क्या होगा C3 प्लस इलेवन सी टू, मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, तो C2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, जीरो एक ग्यारह, माइनस सात पाँच चार। ठीक है, अब क्या करना है, तीन से गुना करके ना यहाँ जोड़ना है, ठीक है, तो इसमें जब तीन से गुना करके जोड़ेंगे ना तो एक प्लस जीरो ये हो जाएगा एक, तीन से गुना करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तीन से गुना करके जोड़ेंगे तो तैंतीस और दो ये हो जाएगा पैंतीस, ऐसे ही ग्यारह से गुना करके जोड़ना है तो जीरो प्लस जीरो ये हो जाएगा जीरो, माइनस ग्यारह प्लस ग्यारह ये हो जाएगा जीरो, यह जाएगा चार और ये 121 तो ये आ जाएगा 125। आरएचएस में भी सेम करना है, तीन से गुना करके यहाँ जोड़ना है तो एक और माइनस 21, एक और माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 20, जीरो प्लस 15 ये हो जाएगा 15 और जीरो प्लस 12 तो ये हो जाएगा 12। अब 11 से गुना करके यहाँ जोड़ना है तो 2 माइनस 77 ये हो जाएगा माइनस का 75, 0 प्लस 55 और ये आ जाएगा 11 से करेंगे तो इसको 44, 1 प्लस 44 ये हो जाएगा 45। अब क्या करना है,
इसको वन करना है इसी से भाग दे के, तो सी थ्री में क्या करेंगे, सी थ्री भाग 125, तो क्या आ जाएगा, सी वन में कोई चेंज नहीं है, सी टू में कोई चेंज नहीं है, यानी का 001, सी वन में कोई चेंज नहीं है, सी टू में कोई चेंज नहीं है, ये जब 125 से भाग देंगे ना तो आ जाएगा -3/5, 55/125 तो आ जाएगा 11/25 और ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो करेंगे, A3132 को C3 की सहायता से, तो मतलब C1 और C2 में चेंज करना है C1-35 C3, C2 में चेंज करना है C2-11 C3, तो मतलब क्या है, C3 में कोई चेंज नहीं है, 001 और ये आ जाएगा -3/5, 11/25, 9/25। तो अब देखो क्या है, 1-0 हो जाएगा 1, 0-0 0, 35-35 हो जाएगा 0, 0-0 हो जाएगा 0, 1-0 1, 11-11 ही हो जाएगा 0। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये क्या है -20, फिर -35, C3 का आ गया है -3/5, इसको करेंगे तो 7, -20+21, तो ये तो आ गया 1। अब दूसरा आ गया है 15, -35 और ये है 11/25, तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 75-77 तो आ जाएगा -2/5। अगला क्या है, 12-35 9/25, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 60-63 -3/5, ठीक है। C2 वालों को 11 से कर रहे हैं, तो मतलब C2 का अवयव है -7 -11 -3/5, तो आ जाएगा -35+33 तो आ जाएगा 2/5, ये माइनस का, ठीक है। अगला है 5-11 11/25 तो आ जाएगा 125-121 तो आ जाएगा 4/25। नेक्स्ट है हमारे पास 4-11 9/25 तो आ जाएगा 100-99 1/25, देयरफॉर ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा 1-2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25 -3/5 11/25 9/25, ठीक है। इस टाइप से हमने 3×3 की प्रैक्टिस करनी है स्तंभ रूपांतरण से, स्तंभ संक्रिया अप्लाई करके, ठीक है। अब एग्जाम में क्या है, कोई भी आता है, अगर नाम से आता है तो उसको उससे कर रहे हैं, अदरवाइज बिना लिखा हुआ आता है तो आपके जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है उससे करना है। लेकिन जिससे स्टार्ट कर देना, जैसे पंक्ति से स्टार्ट किया तो पूरा क्वेश्चन पंक्ति से ही करना है, बीच में स्तंभ मत कर देना, ऐसे स्तंभ से स्टार्ट किया तो पूरा स्तंभ से करना है। अब आप इसको नोट कर लो।